शेर है ना, इसी वजह से जाम लगा हुआ है। सिंगल सिंगल घोड़े निकल रहे हैं, वो पीछे तक जाम लगा हुआ है। मैं तो ऊपर चढ़ गया हूँ। ये वाले ट्रैक्टर आते हैं छोटे छोटे से, बहुत ही छोटे है, ट्रॉली भी छोटी है। इसमें फिर से वापस जा रहा हूँ, तो आधार कार्ड भूल गया मैं टेंट में, आधार कार्ड लेने जा रहा हूँ दोबारा। मैंने यहाँ पे की थी कैंपिंग, केदारनाथ है यहाँ से 10 किलोमीटर आगे, और क्योंकि बारिश हो रही थी और अंधेरा भी हो रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे कैंपिंग कर ली थी ताकि परेशानी ना हो कैंपिंग के लिए जगह ढूंढने में। सुबह 6 बजे हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो चुके हैं। अभी सामान मैंने समेट लिया है, बस टेंट इकट्ठा करना है। अभी तरपाल मैंने निकाल लिया इसकी, तो टेंट इकट्ठा करके बस चलते हैं फिर इस तरफ। चढ़ाई करनी है आज मुझे 10 किलोमीटर की। हेलो जी, सत श्रीकाल, कैसे हो? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और इस टाइम मैं केदारनाथ से 10 किलोमीटर आगे, ट्रैकिंग कल मैंने शुरू कर दी थी ना, तो अंधेरा हो गया था, मैंने कैंपिंग कर ली थी, वहाँ सामान तो मैंने पैक कर लिया है, तो सब चलते हैं। 10 किलोमीटर बचा है, तो सुबह सुबह नाश्ते में केला खा रहा हूँ जो कल लिए थे ना, वो पड़े हैं अभी भी, 4 पड़े हैं, तो यही खा लूँगा। खा के ऊपर जाके देखेंगे बाकी क्या बनता है, क्योंकि ज़्यादा पेट भरने से भी ट्रैक नहीं हो पाएगा। तो चलते हैं, सामान मेरा पैक है, बस निकलते हैं यहाँ से। बजरंग बली के दर्शन, चलते हैं आगे। और सुबह के 6:30 बज चुके हैं, मैं असल में रुका था शायद धूप निकल जाए, मैं टेंट सूख जाएगा था। झरना कितनी प्यारा लग रहा है, ऊपर से बह रहा है, और अंकल आंटी फोटो खिंचवा रहे हैं। रास्ते में कहीं रुक के ना अभी वीडियो अपलोड करनी है मेरे को, कल वाली वीडियो अपलोड नहीं हुई, नेटवर्क नहीं यहाँ पे। साढ़े 7 लीटर इसमें गंगा जल है, 7.5 वहाँ पे। आ कहाँ से रहे भाई? कलकत्ता से। गंगा जल कहाँ से? हरिद्वार। हरिद्वार से वहाँ से पैदल ही आ रहे हो? हाँ। कितने दिन हो गए? 13 दिन हो गए। 13 दिन हरिद्वार से? और कितने टाइम तक पहुँच जाओगे ऊपर? पहुँच जाओगे आज? हाँ, आज आज पहुँच जाओगे। चलो ठीक है भाई, हर हर महादेव। रस्ते अकेला निकला था, रस्ते में काफी बंदे मिल जाते हैं। ये अंकल वहीं पे नौकरी करके आए हैं रोपड़ में। रोपड़ के लिए जाओ, रहते कहाँ पे? पिंड तो साढ़े इधर अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा? हाँ। रणवैक्सी में काम करके आए हैं ये अंकल। तो सामने पहला ग्लेशियर देखा है, तो उस रास्ते से नहीं गया हूँ मैं, शॉर्टकट ले लिया मैंने यहाँ से, लालच। अभी भाई यहाँ पे अभी भी दुकानों का काम चल रहा है। ग्लेशियर देख रहे हो कितना बड़ा है, हाँ सभी पे बर्फ होती है, काटते हैं फिर अभी यात्रा शुरू होती है ना, उससे पहले इसको काट के बनाते हैं रास्ता, स्पेशल घोड़ों के लिए बना हुआ पानी पीने के लिए ना, मेडिकल सहूलत भी मिल जाएगी जगह जगह। महादेव केदारनाथ 4 किलोमीटर बाकी है, भोलेनाथ ने पहुँचाई दिया ऊपर। अरे भाई केदारनाथ का रास्ता ना उस तरफ से था, ऐसे जाते थे, तो 16 किलोमीटर की चढ़ाई थी, आप तो आने के बाद 22 किलोमीटर की होगी। ये नया रास्ता है, तेरा घोड़ों का ट्रैफिक, घोड़ों का जाम लगा हुआ है इतनी दूर तक, घोड़ों का ट्रैफिक देख रहे हो कितना जाम लगा हुआ घोड़ों का, दूर तक घोड़े दिखाई दे रहे हैं। आगे ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर है ना, इसी वजह से जाम लगा हुआ है, सिंगल सिंगल घोड़े निकल रहे हैं, वो पीछे तक जाम लगा हुआ है। मैं तो ऊपर चढ़ गया हूँ, यहाँ से जाऊँगा ऊपर की तरफ से, नीचे तो घोड़ों में जाम लगा रखा है, और ये सारी बर्फ़ है, रिस्क वाला काम है, कभी भी ये चल पड़ती है, ग्लेशियर का कोई भरोसा नहीं है कब नीचे की तरफ खिस चलना स्टार्ट हो जाए। देख लो रास्ता बना रहे हैं बंदे, तो यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं। इस ग्लेशियर पर ज़्यादा टाइम रुकना भी नहीं चाहिए,
इसके नीचे कुछ भी नहीं होता है, तो रिस्क वाला काम होता है। मैं भी जल्दी जल्दी निकल जाऊंगा। घोड़े इस तरफ से जा रहे हैं, काफ़ी बार ये ग्लेशियर गिरा भी है ये वाला। ये देख रहे हो नीचे खाली है, ऊपर बर्फ है, इसका कोई भरोसा नहीं कब टूट जाए। जो पहाड़ी दिखाई दे रही है ना उसके पीछे है केदारनाथ धाम, वहीं पे जाना है मेरे को। लोग बर्फ के ऊपर चढ़े हुए हैं जो कि गलत है, ग्लेशियर का कोई भरोसा नहीं है भाई कब टूट जाए। डेढ़ किलोमीटर है केदारनाथ, वो घोड़े पीछे उतार देते हैं। डेढ़ किलोमीटर का ट्रैक आपको पैदल ही करना पड़ेगा। ये टेंट के रेट लिखे हुए हैं, काफ़ी मिल जाएंगे आपको। ये मई और जून, जुलाई अगस्त और सितंबर और नवंबर का रेट लिखा हुआ है। मैं जा रहा हूँ आगे, पहले मैं टेंट लगाऊंगा फिर मंदिर के पास जाऊँगा। वही हेलीपैड के पास पहुंच चुका हूँ, यहाँ से उठ गया हेलीकॉप्टर, ये जा रहा है। हर हर महादेव। लो भाई फाइनली 4 दिन के लंबे सफर के बाद मंदिर के थोड़े से दर्शन हुए हैं, आगे चलते हैं बस। अब फाइनली केदारनाथ पहुंच गए, हर हर महादेव दर्शन कर रहे हो आप केदारनाथ मंदिर के। तो मैं पहले टेंट लगा लूँ फिर चलते हैं, या देखते हैं दर्शन आज करूँगा या सुबह, पहले टेंट लगाना मेरे को। मंदिर के पास आ चुका हूँ, बस टेंट लगा रहा हूँ। टेंट यहाँ पे लगा के तो मैं देखता हूँ, यहाँ पे तो शायद पानी रुकेगा, वहाँ कहीं पे लगाऊँगा मैं टेंट बना, यहाँ पे लूँगा इसको। भाई भीमशिला केदारनाथ को आप साल से बचाता है जिसने। भाई खूबसूरत मंदिर दिखाई दे रहा है। और भाई मैं जब भी केदारनाथ की वीडियो देखता ना, अब तो मैं पास से देख रहा हूँ, बट जब भी मैं वीडियो देखता ना सोचता था कि उस टाइम में कैसे बनाया गया होगा ना, इतनी मेहनत हुई होगी और इतने टाइम से अभी तक खड़ा है ऐसे ही। तो भाई देख सकते हो तब की टेक्नोलॉजी, भगवान की शक्ति, कुछ भी बोलो आप। एक बार आप भी ध्यान से देखो ये उस टाइम में कैसे बनाया गया होगा ना, सबको इतनी बारीकी से बनाया गया है। और यहाँ पे लगा हुआ भंडारा फ्री में, 9:30 से 2 बजे तक और 7 से 9 बजे तक। केदारनाथ से किसी को पूछ सकते हो अगर आपको भंडारा खाना है, मैंने भी यहीं से खाया है अभी। श्रद्धालुओं की भीड़ देख रहे हो केदारनाथ में। भाई जो भी आ रहा है अभी थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि लाइन कम से कम 6-7 घंटे की लग रही है माथा टेकने के लिए। तो मैं भी सुबह दर्शन करूंगा, आज तो मुश्किल हो जाएंगे। पंजाबी बंदे मिल गए, जलंधर मोहाली तो आए हैं। जलंधर भाई है भाई, एक जलंधर तो एक मोहाली है भाई। चाह लेके आए दोनों, आज थले चले जाना दोनों ने, वो चाह पीने जाने की सोच रहे हैं, बाहर देख रहे हैं अभी भी जाएं या ना जाएं। टेंट के अंदर बैठे हैं, बारिश हो रही थी ना पहले इसलिए। लो भाई दोनों भाई जा रहे हैं। अरे ठीक है भाई, ओके भाई जी, ठीक है भाई, ओके मेरा भाई, ठीक है मेरा, जय शंकर, ठीक है। अभी मेरा केदारनाथ के बिल्कुल बैक साइड में टेंट लगा हुआ है, तो वहाँ से यहाँ पैदल आके ना यहाँ पे पीछे आदि शंकराचार्य की समाधि है, वो दिखाता हूँ आपको नीचे जाके। यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा नीचे।
बर्फ अभी भी है यहाँ पे। ये थी आप भाई शंकराचार्य की समाधि। तो अभी मैं जा रहा हूँ दोबारा केदारनाथ मंदिर के पास अपने टेंट के पास, क्योंकि थोड़ा सामान का भी डर है ना। तो वैसे तो मैंने लोग लगा रखा है, फिर भी सुबह माथा टेकने जाऊँगा। भैरव जी का मंदिर है ना ऊपर, वहाँ पे भी जाऊँगा। सुबह से आराम से दर्शन करेंगे। पहाड़ियों का व्यू देखो आप, बादलों का, बारिश का कोई भरोसा नहीं है कब बारिश आ जाए यहाँ पर। तो अपना बरसात से बचने के लिए सामान कैरी करके चलना। मंदिर का भाई बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, खूबसूरत। मैं पिछले साल से सोच रहा हूँ यहाँ पे आने का। मई जून में आ रहे हो ना आप यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा रश मिलेगा आपको देखने के लिए। और रास्ता भी बहुत ख़राब होते हैं, तो चट्टानें गिरती रहती हैं, थोड़ा देख कर आना आप। भाई भीड़ दिखा रहा हूँ मैं माथा टेकने वालों की, कितना ज़्यादा रश है देखना अभी। इससे भी काफ़ी दूर तक लाइन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा दूर तक लाइन लगी हुई है, इसीलिए भाई थोड़ा अवॉइड करना। अभी बाद में आ सकते हो आप एक दो मंथ के बाद, तो यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं दिखाई देगी आपको। मंदिर के आसपास आपको शौचालय मिल जाएंगे, किसी बात की दिक्कत नहीं है। वो मंदिर रहा, इसके साथ ही में थोड़ा दूर जाके शौचालय हैं, तो किसी बात की टेंशन नहीं है। यहाँ पर आना है ना आपको, तो किसी बात की दिक्कत नहीं होगी। होटल तो बहुत ज़्यादा है, नहीं मिले तो कैंप मिल जाएंगे, ऐसे टेंट मिल जाएंगे आपको रेंट पे। हर हर महादेव। और आप लोग भी कमेंट में जरूर हर महादेव बोलना, अभी वो आप लोग देख सकते हो। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना जो चैनल पे नए हैं। टोकन आप रात में ले सकते हो, सुबह चल जाएगा। मेरे को किसी बंदे ने बोल दिया था वहाँ पे चलता नहीं है सुबह, मैंने वो पुलिस वाले उन्हीं से पूछा था, पता नहीं क्या क्यों किया उन्होंने, समझ में नहीं आया। तो मैं दोबारा जा रहा हूँ टोकन लेके आता हूँ, ताकि सुबह मुझे दिक्कत ना हो। ये वाले ट्रैक्टर आते हैं छोटे छोटे से, बहुत ही छोटे, ट्रॉली भी छोटी है। इसमें फिर से वापस जा रहा हूँ, तो आधार कार्ड भूल गया मैं टेंट में, आधार कार्ड लेने जा रहा हूँ दोबारा। इसमें पड़ा मेरा आधार कार्ड, वो लेने आया हूँ मैं, ताकि वहाँ पे दिखाना पड़ेगा ना। तो भाई रेता कुंड, ये कुंड है भाई, ये केदारनाथ को जाने से पहले ही आता है, जहाँ पे टोकन मिलते हैं ना उससे पहले ही, उसके बाद आता है रास्ते में। ये कुंड है भाई, इसमें भोले का नाम लेने से बुलबुले उठते हैं पानी में। मम्मा बोले ये उठा इस तरफ, देख रहे हो। टोकन ले लिया मैंने, रजिस्ट्रेशन दिखानी होती है जो हो रखी है ना आपकी पहले, वो दिखानी होती है बस। जाने को बैरूनाथ मंदिर भी जा सकता हूँ मैं, बट कल पूरा दिन पड़ा मेरे पास, तो कल जाऊँगा आराम से, आज करूँगा आराम, अपने का कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, खुला टाइम है। पावर बैंक ना तीन बार चार्ज करता है मोबाइल को, तीन या चार बार, और ये रात इसने एक ही बार चार्ज किया, ठंड में इतना बुरा हाल है ना। तो दूसरा पावर बैंक है, मैंने तीन चार कपड़ों में लपेट रखा है, ताकि ठंड ना लगे इसको, मेरे को लगती लग जाए, इसके बिना किसी काम के नहीं है। मोबाइल चार्ज करूँगा, वीडियो अपलोड करनी है आज वाली मुझे को। केदारनाथ का नाइट का व्यू ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा। तो बस मैं इस वीडियो को करता हूँ यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव की।